नगर निगम शिमला के चुनाव 2 मई को होने हैं। इससे पहले प्रचार में भी जोर पकड़ लिया है। नाभा वार्ड में भी कांग्रेस प्रत्याशी सिमी नंदा का प्रचार जोरों पर है। सिमी नंदा के प्रचार में प्रभारी और मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ के साथ पूर्व उप महापौर शशि शेखर, जिन्होंने भी प्रचार किया। इस दौरान सिमी नंदा ने कहा कि बीते 5 साल में उन्होंने नाभा वार्ड के विकास के लिए काम किया है। इलाके में सभी रास्तों को पक्का किया गया। इसके अलावा बोर्ड के बच्चों के लिए टेनिस कोर्ट के साथ भी बनाया जा रहा है। वार्ड में पार्किंग बनाकर लोगों को सुविधा देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें आगामी 5 साल में पूरा किया जाएगा। सिमी नंदा ने कहा कि शिमला में जब पानी का संकट आया तब भी हुए लोगों के साथ खड़ी रही और कोरोना काल के दौरान भी वे लोगों के भरपूर साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार आप पे भरोसा जताया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने वापस मुझ पर विश्वास जताया है और मेरे को यहाँ से नाभा वार्ड से पार्षद उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाभा वार्ड में टेनिस ग्राउंड और पार्किंग बन रही है 2 करोड़ 80 लाख की राशि से। साथ ही में हमने पार्किंग फागली में भी क्रिएट करी है। सारे नाले हमारे जो है पक्के हुए हैं, वार्ड के सभी रास्ते पक्के हुए हैं और वाटर टैंक्स, 2 वाटर टैंक्स का निर्माण जो हुआ है, एक नाभा में हुआ है और दूसरा जो है संस्कृत कॉलेज के पास निर्माण कार्य चला हुआ है। हमने 5 नए रेन शेल्टर्स का निर्माण किया है और कुछ कार्य जो हमारे अधूरे रह गए हैं जो सरकार के माध्यम से होने थे, उसमें प्राथमिकता हमारी रहेगी एम्बुलेंस रोड द लोग के लिए और हमारे को पार्किंग की सुविधा जो है फागली एरिया में देने की बहुत आवश्यकता है। तो वो पार्किंग और कम्युनिटी सेंटर का जो है वो अब हमारा प्राथमिकता रहेगी, वो हम जल्दी से जल्दी जो है अपने एरिया के लोगों को प्रोवाइड कर सकें। स्मार्ट सिटी के अंदर हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, टेनिस ग्राउंड जो नाभा में बन रहा है, उसी में आपका जिम भी बन रहा है और साथ में उसमें पार्किंग का भी निर्माण हो रहा है। एक पार्किंग का निर्माण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फागली क्लब के पास हुआ है। ये 2 कार्य जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर हुए हैं। हमें लोगों के द्वारा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोग जो है वो भलीभांति जानते हैं कि भले ही जब पानी की समस्या हमारे 2018 में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस आए, 19वें दिन घरों में नलों में पानी आया, उस समय भी जो है हम लोग बिल्कुल लोगों की सेवा में उतरे रहे। हमने जितने टैंकर्स प्रोवाइड कर सकते थे लोगों को पानी के लिए वो प्रोवाइड करे, अपना प्राइवेट टैंकर करके भी हमने लोगों को पानी दिया है। तो उस कार्यकाल को भी लोग याद करते हैं जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ। साथ में कोरोना काल में भी हमने लोगों को घरों की आसपास सैनिटाइजेशन का कार्य बहुत बढ़ चढ़ के किया। जिनको ज़रूरत पड़ी रात को उन्होंने 1 बजे 2 बजे भी हमें को कॉल करके एम्बुलेंस सुविधा के लिए कहा, तो हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड करी और किसी को कोई मेडिसिन की थी ज़रूरत तो हमने वो प्रोवाइड करी। तो जितना हम कर सकते थे लोग वो उस काल को भी याद करके जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मेरी तरफ दे पा रहे। नाभा वार्ड जो है ये हमारा कर्म भूमि रही है। सबसे पहले यहाँ से हमारे शशि शेखर चिन्नू जी चुनाव लड़े थे 92 में, 92 में। उस समय हमने काफ़ी यहाँ पर मेहनत की थी, गणेश दत्त जी को हराया था उस समय भारतीय जनता पार्टी के। आज हमारे यहाँ पे पूर्व में पहले से पार्षद रही सिमी नंदा जी, और ये भी काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं यहाँ पर। और नाभा जो है एम्प्लॉइज़ का जो यहाँ पर ज़्यादा तादाद यहाँ पे रहती है, और हमारी सरकार ने जहाँ OPS देकर जो है कर्मचारियों के ऊपर एक जो उनकी बहुत बड़ी मांग थी उसको पूरा किया, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ जो है अवश्य रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और वैसे भी वो कांग्रेस के पक्ष में है, पूरे इसमें नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं उन सभी में जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पर भरसक प्रयत्न जो है आम जनता का मिल रहा है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और सबसे बड़ी बात है कि वो पिछले 5 वर्षों से वो सत्ता में थे, डबल इंजन की सरकार थी जैसा वो कहा करते थे, लेकिन उसके चलते उन्होंने शहर में कुछ भी ऐसा नया काम नहीं किया जो जिसके लिए उनको कोई नंबर दिए जाएँ। और जो आज वो वादे कर रहे हैं कि 40,000 लीटर पानी देंगे, कूड़े का बिल माफ़ कर देंगे, आधा कर देंगे, 5 साल क्या करते रहे? सरकार उनकी थी, डबल इंजन की सरकार थी, करते।
कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल मात्र आज वो लोगों को बरगलाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो चलने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया है, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिस प्रकार से उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट पेश किया है पूरे स्टेट के लिए, वैसा ही जो विजनरी डॉक्यूमेंट जो है हमने यहाँ पर पेश किया है अपने नगर निगम के लिए। और आने वाले समय में जो शिमला का जो भविष्य है वो बहुत ही सुहाना होगा, और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में नगर निगम शिमला भी अपने ऊंचाइयों की ओर जाएगा। और क्या लोगों का रिस्पॉन्स रहा? देखिए, नाभा वार्ड से पहले भी हमारे जो सिमी नंदा जी हैं ये पार्षद भी रही हुई, और आप जानते हैं आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सभी वर्गों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने साथ लेकर सभी के बारे में सोचकर, जिस तरह से ओपीएस की बात करें हम, 3% डीए जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है सभी कर्मचारियों के लिए, मैं समझता हूँ ये एक उपलब्धि है। और जहाँ तक नाभा वार्ड की बात है, नाभा वार्ड से सिमी नंदा जी ने जो वार्ड की समस्याएं थी उनके बारे में भी जनता के बीच में भी गए हैं, और साथ में जो समस्याएं सरकार के समक्ष हैं वो उन्होंने हमसे भी बात रखी है, जो हम आने वाले समय में सरकार से जो भी नाभा वार्ड के लिए बनेगा हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि हम इसे पूरा करें। देखिए, ये तो बोलने की बात है कि ये छलावा है। भारतीय जनता पार्टी का आप भी जानते हैं, जब जब मैनिफेस्टो लागू इन्होंने किए हैं, कहाँ अमल किया है किसी भी मुद्दे पर। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है। समय आ गया है, शिमला जो कॉरपोरेशन है हमारी, यहाँ पे कांग्रेस के मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, ताकि शिमला के विकास के लिए कोई कमी ना रहे। कैसे देखते हैं? किन ऐसा है कि इस वार्ड से सिमी नंदा पहले भी पार्षद रही है और इन्होंने काम भी किए हैं, और हमारी आज जो जिम्मेवारी है वो लगा रखी है कि मुझे इंचार्ज यहाँ का बनाया है। आज हमारे प्रभारी भुवनेश गौड़ जी हमारे साथ हैं। 5 साल जो सरकार हमारी आज बनी है उसके साथ हमारा विधायक यहाँ पर बना है। पार्षद भी अगर वार्ड के लोग चुनेंगे तो निश्चित है कि 5 साल में विकास के जो कार्य हैं वो काफ़ी तेज़ी से होंगे। और सिमी नंदा जी ने काम किए, आगे जो अभी छूटे हैं काम जो और होने हैं, तो अपनी सरकार के होते हुए विधायक का जो समर्थन मिलेगा तो तेज़ी से इस वार्ड को कोशिश करेंगे कि आदर्श वार्ड बनाया जाए। और मैं समझता हूं कि उसके लिए सिमी नंदा परफेक्ट है, नॉलेज भी है। अमित नंदा जी जो है वो एससी सेल के हमारे अध्यक्ष हैं। मैं बतौर डिप्टी मेयर के नाते नहीं आया, मैं इनके बड़े भाई के नाते यहाँ पर आया हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वार्ड से जनता से अपील करूंगा कि सिमी नंदा जी को आप जिताएं, और जो विकास कार्य है पूरे वार्ड के, वो जो गति रुकी है पिछली 5 सालों में भाजपा के शासन में, वो यहां पर दुरुस्त हो जाए और लोग उसका लाभ उठाएं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।